Assalamu alaikum dear students of grade 7. My name is Saframan. How are you? I hope you are fine. Dear students, कल हमने रीडिंग की थी ग्रेड 7 की कंप्यूटर की बुक की, तो आज हम उससे आगे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कल वाले जो हमने जो थोड़ा सा पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला ने एक्सेल 2013 कहता है, फार्मूला जो हम एक्सेल के अंदर लगाते हैं वो क्या है, ठीक है, वो क्या काम करता है। तो वो आपके पास फार्मूला होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैल्यूज़ के अलावा हम इसके अंदर जो है वो ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट फंक्शन भी यूज़ करते हैं, सेल रेफरेंसेस C3, B2, B5, A2, D8, BE4, 10, जो भी आपके पास हैं ये सेल रेफरेंसेस हैं, ठीक है। रेफरेंसेस का मतलब है कि किस सेल का, किस सेल के या किस कॉलम या किस रो से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ये जो फार्मूला है ये रिटन डिफरेंटली फ्राम हाउ यू राइट टेम इन मैथ, कहता है मैथ के फार्मूले से ये बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता है या लिखने में होता है, ठीक है। जैसा आप मैथ का फार्मूला लिखते हैं A² + B², जबकि यहाँ पे A² और B² का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप जो A² और B² लिखेंगे उसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ और टूल्स या ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेल एंड रेंज रेफरेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो है आज का टॉपिक सेल एंड रेंज रेफरेंसेस। आ रेफरेंस आइडेंटिफाइज अ सेल और रेंज ऑफ सेल इन अ वर्कशीट, कहता है वर्कशीट के अंदर जो आपके पास रेफरेंस है वो आइडेंटिफाई करता है सेल और रेंज ऑफ सेल्स। जो वर्कशीट के अंदर आपके जो सेल हैं और जो आपने सेल एक सेल से लेकर पाँचवें या छठे सेल तक जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे रेंज ऑफ सेल्स हैं। एंड टेल्स एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ डेटा यू वांट टू यूज़ इन द फार्मूला। उसके बाद कहते हैं और एक्सेल आपको बताता है कि कब, कहाँ, कौन सी वैल्यू या डेटा आप इस फार्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं वेयर टू लुक फॉर द वैल्यूज ऑफ डेटा यू वांट टू यूज़ इन फार्मूला, कहते हैं कि आप देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू या कौन सा जो आपका जो डेटा है आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उस फार्मूले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल्स, कहते हैं आइए कुछ एग्जांपल देते हैं। द सेल इन ए कॉलम ए एंड रो वन, कहता है जो हमारे पास जो सेल है वो कॉलम ए और रो नंबर वन में होगा, तो वो आपके पास जो उसका रेफरेंस होगा वो क्या होगा, उसका रेफरेंस होगा ए वन, मीन्स कॉलम हमारे पास ए है और रो हमारे पास वन है, ठीक है। जो वन होगा वो आपके पास रो को आइडेंटिफाई करेगा और जो अल्फाबेटिकली शेप में होंगे वो आपके पास कॉलम को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम बी एंड रोज 1 through 20, कहता है कि हम कॉलम बी में ही हैं लेकिन हम रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर 20 तक हमने जो रेंज है सेल्स की वो सेलेक्ट की हुई, तो इसका ये मतलब है कि हम कॉलम नंबर बी में ही हैं लेकिन कॉलम नंबर बी से लेकर कॉलम नंबर B20 की जो रो है वहाँ तक हम क्या हैं, रेंज में हैं, किसकी, सेल्स की, मींस के B1 जो हमारे पास पहला सेल है वहाँ से लेके उसी कॉलम के जो आखिरी सेल है उसका जो हमारे पास नंबर है वो 20 है, मींस के B1 से लेके B20 तक हम सिलेक्टेड हैं, हमारी रेंज जो है वो सिलेक्ट है। उसके बाद कहता है द रेंज ऑफ सेल्स इन रो 4 एंड कॉलम्स B through D, कहता है कि हम जो है वो रो नंबर 4 में हैं लेकिन जो हमारे पास कॉलम है वो बी है और थ्रू डी, B, C, D, तीन कॉलम हो जाएंगे B, C, D, मीन्स B4 से लेके C4 तक, फिर C4 से लेके D4 तक हम क्या हैं, सिलेक्टेड हैं। उसके बाद अ सेल्स इन रो 8, कहते हैं हम जो हमारा जो सेल है वो रो नंबर 8 में है, तो मीन्स कि हम जो है वो 8 × 8 हैं, मीन्स कि हम, उसने कहा है सिर्फ रो है नॉट कॉलम, कॉलम नहीं है, अगर कॉलम होता तो फिर यहाँ पे होता C8, D8, E8, F8, G8, जो भी होता है कॉलम, जो नंबर भी होता है फिर उसके साथ जो रो है वो उसका नंबर लगाया जाता है। अ सेल्स इन अ रो 3 through 6, कहते हैं यहाँ पे फिर उसने क्या कहा है, रो है नॉट कॉलम, कहते हैं रो जो है वो 3 से लेकर 6 तक है, 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 6, मीन्स 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 6 तक हम क्या हैं, सिलेक्टेड हैं। उसके बाद कहते हैं अ सेल्स इन कॉलम ई, कहता है जो हमारे पास कॉलम ई है उसके अंदर जो सेल है वो कौन से हैं, तो कॉलम ई के अंदर जो सेल होता है वो ई ही होता है, ठीक है, सेल
एक सेल को कहा जाता है वो ई ही होता है। ई कहता है अ सेल्स इन अ कॉलम ई। ई कॉलम के अंदर जो आपको सेल्स हैं वो सारे ई ही होंगे, ठीक है, कॉलम ही ई है तो सेल उसमें सारे ई वाले होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अ सेल्स इन कॉलम्स बी थ्रू डी। कहता है जो हमारे पास सेल्स हैं कॉलम बी से लेकर कॉलम डी तक, तो कॉलम बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, मीन्स बी से लेकर सी और सी से लेकर डी तक आप सिलेक्टेड हैं। द रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम सी थ्रू ई एंड रो 5 through 10। अब यहाँ पे वो कहता है हम इस सेल में जो हमारे पास जो रेंज है उसमें हम सी 5 से लेके, ठीक है, ई 10 तक सिलेक्टेड हैं। मीन्स सी 5 से लेके ई 5 तक जाएंगे, ठीक है, सॉरी सी 5 से लेके ई 10 तक हम यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, ठीक हो गया। द रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम सी थ्रू ई एंड रोज 5 through 10, ठीक है, कहता है सी से लेके ई तक जाएंगे हम, फिर उसके बाद रो नंबर 5 से लेकर रो नंबर 10 तक जाएंगे इन कॉलम्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक ये आपकी रीडिंग है, इसको समझें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।